डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है अकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए ये तस्वीरें अजमेर के दरगाह क्षेत्र की हैं जहाँ पर आज तकरीबन दोपहर तीन बजे का ये मामला है जब तीन बजे यहाँ पर जो तमाम अजमेर के अजमेर के अंदर जो गेस्ट हाउस और होटल हैं वहाँ पर जो जायरीन लॉकडाउन में फंसे हुए थे वो बाहर आने लगे लग और उसमें से किसी के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि आज अजमेर रेलवे स्टेशन से कुछ ट्रेन रवानगी होने वाली है लेकिन ऐसा आ, कुछ भी किसी प्रकार का संदेश आधिकारिक तौर पर कहीं से भी नहीं आया था ये सिर्फ़ और सिर्फ केवल एक अववा थी और उस अववा के आधार पर इस तरीके से लोग आ, सड़कों पर आ गए स्टेशन के लिए रवानगी ले रहे थे लेकिन आ, अजमेर पुलिस ने पूरे मामले को मुस्तैदी से यहाँ पर संभाला जैसे ही यहाँ पर जो प्रवासियों और श्रमिकों की और जो जायरीन है उनकी यहाँ से आवाजाही नजर आई उसके बाद तुरंत पुलिस यहाँ पर पहुँची और मौके पर सभी की रवानगी वापस अपनी अपनी जगह पर करवाई है सबसे खास बात है कि जो दर्शक हैं और जो सबसे बड़ी बात है बाकी के जो जायरीन और जो श्रमिक हैं उनको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी प्रकार की कोई भी रेल की सेवा फ़िलहाल चालू नहीं है जो ट्रेन्स अभी कुछ जगहों से चल रही हैं वो विशेष ट्रेन्स हैं और उन ट्रेन्स के लिए भी जिला प्रशासन केवल जिनको अनुमति दी जाती है केवल उनको सूचना देती है और उन्हीं को स्टेशन पर जाना है कई लोगों के लगातार सवाल इस प्रकार के आ रहे हैं कि क्या जो विशेष ट्रेन चलेगी उसमें जो लोग यहाँ पर फंस गए हैं वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं तो हम उनको भी बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि, कि किसी प्रकार से तब तक आपकी आवाजाही किसी भी विशेष ट्रेन से नहीं हो सकती है जब तक कि रेल प्रशासन या जिला प्रशासन आपको वहां पर स्वयं नहीं बुलाता है और इसके लिए जो प्रक्रिया है आ, उस प्रक्रिया में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा संबंधित अधिकारियों तक वो जानकारी पहुंचानी होगी उसके बाद ही जब कोई भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी तभी आपको वहां पर रेलवे स्टेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी रवानगी जो आपका स्थान है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा लेकिन अभी तक रेल आ, जो विभाग है अजमेर मंडल है डी जो है वहाँ से किसी किसी भी विशेष ट्रेन की आवाजाही की कोई भी किसी प्रकार से अधिकारी कोई सूचना नहीं है लेकिन फिर भी जो जायरीन है उनके बीच में जो गलत सूचना भ्रामक सूचनाएं पहुंची थी उसके आधार पर ये लोग इकट्ठा हो गए थे हम हमारे तमाम दर्शकों को ये बता दें कि अगर आपके कोई भी सहयोगी कोई भी जायरीन रिश्तेदार या कोई भी छात्र अजमेर में अगर इस वक्त फंसा हुआ है तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने अलग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएँ की हैं और वो तमाम व्यवस्थाएँ रजिस्ट्रेशन में उनको हिस्सा लेना होगा रजिस्ट्रेशन में अपने आपको रजिस्टर्ड कराना होगा उसके बाद ही वो अजमेर से जब भी जब रेल प्रशासन और जिला प्रशासन चाहेगा जब यहाँ से विशेष ट्रेन चलेगी उसके बाद ही उनको जब उनका नंबर आएगा तभी उनको विशेष ट्रेन से जाने की अनुमति होगी इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सरकार राजस्थान सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि तमाम श्रमिक और जो प्रवासी लोग हैं या फिर जो जायरीन इस वक्त यहाँ फंसे हुए हैं तो जायरीनों के लिए अलग से व्यवस्था होगी और उसकी ट्रेन जब चलेगी तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी लेकिन जो प्रवासी और श्रमिक हैं वो राजस्थान सरकार आ, द्वारा जो संचालित ई मित्रा काउंटर्स जहाँ पर भी हैं ई मित्रा जो पोर्टल है उस पोर्टल के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन उनको कराना होगा जिससे कि जब राजस्थान सरकार के पास संबंधित जिले की और आपकी जब पूरी जानकारी उनके पास पहुंचेगी तो उसके बाद संबंधित राज्यों के साथ में आ, सरकार सहमति बनाएगी और नदी का वहाँ के आ, जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेगी और बातचीत के बाद में तालमेल बनाया जाएगा तालमेल के साथ में फिर एक नई व्यवस्था तैयार की जाएगी कि आखिरकार किस जिले से और कौन से समय पर ट्रेन को चलाना है और ट्रेन तक दूसरे जिले से लोगों को वहाँ तक कैसे पहुँचाना है और वहाँ से जिस जगह आपको जाना है वहाँ तक किस तरीके से जाना है तो इसके लिए पूरी तैयारी होगी अभी किसी प्रकार से विशेष ट्रेन की आवाजाही अजमेर से नहीं है सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें जो राजस्थान के तमाम प्रवासी और श्रमिक हैं वो कॉल कर कर अपनी जानकारी को दे सकते हैं बता सकते हैं कि आखिरकार वो इस वक्त कहाँ फंसे हुए हैं जिससे कि उनको वहाँ से लेकर आया जाए इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक नंबर जारी किया है वो नंबर हम तमाम तमाम दर्शकों को बता देते हैं वन एट जीरो जीरो वन एट जीरो सिक्स वन टू सेवन एक बार फिर से हम उस हेल्पलाइन नंबर को वापस से जिक्र कर देते हैं वन एट जीरो जीरो वन एट जीरो सिक्स वन टू सेवन तो ये हेल्पलाइन नंबर है और इसके साथ ही ई मित्रा पोर्टल के ऊपर जाकर भी तमाम श्रमिक प्रवासी जो लोग हैं वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सरकार को ये जानकारी पहुँचा सकते हैं कि आखिरकार वो इस वक्त कहाँ पर फा इसके साथ ही जो तमाम दरगाह बाजा दरगाह का जो इलाका है यहाँ पर जिस तरीके से लोग बाहर आए हैं जो जायरीन बाहर आए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक भ्रामक सूचना पहुँची है कि आज यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है उसको उसके चलते ये लोग यहाँ पर आए अजमेर पुलिस ने मुस्तदी दिखाई है हमने रेल के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की है कि क्या किसी प्रकार की ट्रेन की आवाजाही संभव है लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अजमेर मंडल के पास इस तरीके की अभी किसी भी प्रकार से ट्रेन के संचालन की कोई भी दिशा निर्देश या आदेश नहीं आए हैं जब तक कि कोई आदेश नहीं आते हैं तब तक नहीं होगा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब भी ऐसा कोई आदेश या निर्देश आएंगे तो उसके बाद में ट्रेन संचालन जो विशेष ट्रेन है उसके संचालन की जानकारी दे दी जाएगी लेकिन एक बार फिर हम हम तमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको स्पष्ट कर दें कि किसी भी प्रकार से सत्रह मई तक कोई आवाजाही ट्रेन से नहीं है इसीलिए किसी को भी आ ये अगर मैसेज आता है या संदेश आता है तो उस पर यकीन ना करें क्योंकि जब तक कि रेल मंत्रालय आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं करेगा ट्रेन संचालन की तब तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी वहीं ये जो ट्रेन अभी इस वक्त कुछ जगहों से जो चल रही है वहाँ पर बहुत सीमित संख्या में सिंगल ट्रेन चल रही है और वो भी केवल और केवल जिन लोगों ने जिन लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया है और प्रशासन ने जिनको बुलाया है ये केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए ट्रेन है ये ट्रेन तमाम बाकी के लोगों के लिए इधर उधर आवाजाही करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये यह हम हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं और लगातार हम कह रहे हैं कि जो रेल मंत्रालय की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है उसकी सूचना तमाम जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा उन लोगों तक जिला प्रशासन अपने जरिए पहुंचाएगा और उसके बाद ही उन लोगों को अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आना होगा